हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन गैट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज दिस इज दिव्या माहेश्वरी स्टूडेंट्स आप सीख रहे हैं ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास नाइन्थ का चैप्टर एट जिसका नेम है साइबर सेफ्टी और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हम जानेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सूचनाओं की गोपनीयता ये क्या होता है साइबर सेफ्टी में सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन confidentiality in the context of computer system means allowing only authorized user to access sensitive and protected data computer system ke sandarbh mein gopniyata ka means kya hai gopniyata ka means hai संवेदनशील और सुरक्षित डेटा को केवल authorized user को access करने की अनुमति देना केवल authorized user ही उस संवेदनशील और protected डेटा को आ, access करे इसे बोलते हैं हम गोपनीयता स्पेसिफिक मैकेनिज्म एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सेफ्टी ऑफ डेटा फ्रॉम हार्मफुल इंट्रूडर्स एक विशेष मैकेनिज्म हानिकारक घुसपैठियों से घुसपैठिया मीन्स कि हानिकारक जो हैकर्स हैं जो हमारे सिस्टम को हार्म पहुंचा सकते हैं उन हानिकारक घुसपैठियों से डेटा को सुरक्षित करने के लिए और डेटा को गोपनीय बनाने के लिए इसे सुनिश्चित किया जाता है एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्कलोज टू ऑथराइज यूजर ओनली जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो संवेदनशील सूचनाएं है होती हैं उन्हें केवल ऑथराइज यूजर के लिए ही डिस्कलोज करना चाहिए मीन्स ये केवल ऑथराइज यूजर के सामने ही डिस्कलोज होनी चाहिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनिश्चित करने के लिए डेटा की गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग प्रथाओं को अडप्ट करती है द टू मोस्ट कॉमन वंस आर एस फोलोज उन प्रथाओं में कुछ दो मोस्ट कॉमन है जो नीचे दी गई है इस प्रकार है फर्स्ट है एन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस दैट एंश्योरइजर यूजर आर कॉन्फ़िडेंशियल यूज़र आइडेंटिफिकेशन एंड पासवर्ड एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस यानी एक प्रमाणिक प्रक्रिया एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो होती है वो यह सुनिश्चित करती है कि ऑथराइज्ड यूजर को एक गोपनीय यूजर आइडेंटिफिकेशन और पासवर्ड असाइन कर दिया गया है उसे दे दिया गया है

उसकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश किया जाता है और वो किस तरह से किया जाता है उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो उसमें फिजिकल विशेषताएं हैं जैसे कि उसका फिंगरप्रिंट्स उसकी हथेलियों का प्रिंट आयरस रिकॉग्निशन मींस उसकी आंखों की पहचान एंड फेस एंड हैंड ज्योमेट्री इत्यादि का यूज करना होता है उसमें और उनका यूज करके उसकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश किया जाता है सो so, इस तरह से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का भी इसमें यूज होता है ये होती है एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस सेकंड आ जाती है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आरबीएसी ये रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है जिसे आरबीएसी भी बोलते हैं रेस्ट्रिक्ट्स नेटवर्क एक्सेस इन अ बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन अ पर्सन रोल विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में उस व्यक्ति की भूमिका के आधार पर बिजनेस या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क एक्सेस को प्रतिबंधित करता है तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नेटवर्क की जो पहुंच है उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के द्वारा नाउ डेज इट हैज बिकम वन ऑफ द मेन मेथड्स फॉर एडवांस एक्सेस कंट्रोल इन बिगर ऑर्गेनाइजेशन आजकल ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एडवांस एक्सेस कंट्रोल के लिए मुख्य तरीका बन चुका है ये एक ऐसा मुख्य तरीका बन चुका है इससे एडवांस एक्सेस कंट्रोल किया जा सकता है आर ओनली अलाउड टू टू एक्सेस द नेसेसरी इफेक्टिवली परफॉर्म देयर ड्यूटीज एम्प्लॉज को अपनी ड्यूटीज को प्रभावी रूप से परफॉर्म करने के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की ही केवल अनुमति मिलती है इन एडिशन इसके अतिरिक्त एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज कैन बी लिमिटेड टू स्पेसिफिक टास्क सच एज द एबिलिटी टू व्यू क्रिएट और मॉडिफाई अ फाइल इसके अतिरिक्त तो और क्या है कि इसके अतिरिक्त जो विशेष कार्य हैं जैसे कि एक फाइल को व्यू करने की एबिलिटी क्रिएट करने की एबिलिटी और मॉडिफाई करने की जो एबिलिटी है वो कंप्यूटर रिसोर्सेज में जो पहुंच है उसको लिमिट कर लिमिटेड कर सकती है ये जो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है इसके द्वारा इसे लिमिट किया जा सकता है कि एक जो स्पेसिफिक टास्क है उसमें जो देखने की फाइल को क्रिएट करने की और मॉडिफाई करने की जो योग्यता है उसको लिमिटेड किया जा सकता है मींस एम्प्लॉय एक लिमिटेशन में ही उसे ओपन कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं एज अ रिजल्ट लोअर लेवल एम्प्लॉय यूजली डू नॉट डाटा परिणाम स्वरूप जो लोअर लेवल एम्प्लॉय है आमतौर पर वो सेंसिटिव डेटा को उन्हें एक्सेस नहीं करना पड़ता है इफ दे डू नॉट नीड इट टू फुलफिल देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज यदि उनको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है तो ऐसी कंडीशन में उन्हें सेंसिटिव डेटा को एक्सेस नहीं करना पड़ता है फॉर एक्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए एन अकाउंटेंट ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी एक कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट का जो एक अकाउंटेंट है कैन एक्सेस द अकाउंट डाटा ऑफिस डिपार्टमेंट ओनली वह केवल अपने डिपार्टमेंट

देखिए स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया है बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल क्या होता है यहाँ पिक्चराइजेशन के द्वारा बताया गया है और आगे यहाँ भी बताया गया है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है कि इसमें हमारा रोल होता है एक व्यक्ति का जो भी उसकी भूमिका होती है उसके हिसाब से उसे परमिशन दी जाती है रोल मेंबरशिप होती है यूज़र इन रोल जो यूज़र होते हैं वो रोल में होते हैं कि उनका क्या उनकी भूमिका है एंड इन्फॉर्मेशन एसेट्स हो जाती है आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय